नमस्कार। हमारा ब्रेन एक बहुत ही चमत्कारी ऑर्गन है। इट इज़ अ मिस्टीरियस ऑर्गन बिकॉज कहते हैं कि हमारा ब्रेन एक टाइम पे 5 करोड़ अलग अलग बातों को अपने दिमाग में होल्ड करके रख सकता है। लेकिन जब 4-5 बातें हो जाती हैं हमारे दिमाग में तो हम कहते हैं टेंशन हो गया, लोड हो गया, स्ट्रेस हो गया। हमारा ब्रेन जैसा कि मैंने बताया था 1.4 kg का होता है, जिसका लगभग 85% पानी ही है। और हमारे ब्रेन से हर मिनट 0.8 लीटर ऑफ ब्लड फ्लो होता है। ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जो राइट ब्रेन होता है वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो आँखें हैं हमारी वो ब्रेन की खिड़की मानी जाती है। आइज आर द विंडोज टू द ब्रेन। ब्रेन हमारी आँखों से सब कुछ जानता है। तो अगर हम गौर से हमारे आँखों के मूवमेंट को देखें तो साइंटिफिक क्या है वो मैं बताता हूँ कि हमारी आँखें 6 डायरेक्शन में देखती हैं। अपर लेफ्ट, अपर राइट, बीच में लेफ्ट, बीच में राइट, और नीचे लेफ्ट और नीचे राइट। अब इसका इम्प्लीकेशन होता है, जब कोई ऊपर लेफ्ट में देख रहा होता है तो वो विजुअल फ्रॉम मेमोरी देख रहा होता है, जो भी विजुअल हमारी मेमोरी में ऑलरेडी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि शाहरुख खान कैसा दिखता है तो लेफ्ट में देखने लगेंगे और जो मेमोरी में वो इमेज होगी वो रिकॉल होगा। लेकिन अगर ऊपर राइट में कोई देखता है, वो भी विजुअल होता है लेकिन कंस्ट्रक्टिव होता है, क्रिएटिव होता है। तो अगर मैं बोलूं कि शाहरुख खान अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो कैसा होगा, तो वो हम सोचने लगेंगे तो राइट में ऊपर देखेंगे, तब क्लियर पिक्चर दिखेगा। इसी तरह अगर बीच में कोई लेफ्ट में देखता है तो वो होता है मेमोरी से ऑडिटरी। जैसे शाहरुख खान की आवाज़ कैसी है तो हम बीच में लेफ्ट में देखेंगे। अगर हम बोले कि शाहरुख खान अगर लड़की के आवाज़ में बात करे तो कैसी आवाज़ आएगी, तो उस आवाज़ को सुनने के लिए कोई बीच में राइट में देखेगा। उसी तरह अगर कोई लेफ्ट में नीचे देखता है तो वो सेल्फ कन्वर्सेशन होता है, अपने आप से कोई बात कर रहा होता है तो वो नीचे देखता है लेफ्ट में। अगर कोई नीचे राइट में देख रहा है तो इसका मतलब वो किसी इमोशन या फीलिंग या टच या मसल मूवमेंट को एक्सपीरियंस कर रहा है। जब कोई बच्चा रो रहा होता है, हमने उसको डांट दिया होता है और रो रहा होता है, वो फूट रहा होता है, तब वो कभी कभी नीचे राइट में देख रहा होता है, तब वो अपने इमोशंस को फील कर रहा होता है, या फिर वो नीचे लेफ्ट में देख रहा होता है तो अपने आप से बात कर रहा होता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें इससे, इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चल जा सकता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। तो लेफ्ट में क्या हुआ, ऊपर और नीचे का छोड़ देते हैं, नीचे का सिर्फ अगर मिडिल और ऊपर का देखते हैं तो लेफ्ट वाला विजुअल मेमोरी और ऑडियो मेमोरी, तो लेफ्ट वाला मेमोरी से हुआ और राइट वाला विजुअल पिक्चर्स मतलब कंस्ट्रक्टिव, और राइट ये बीच वाला हुआ ऑडियो कंस्ट्रक्टिव, तो राइट वाला कंस्ट्रक्टिव हुआ मतलब क्रिएटिव। तो कोई भी अगर आपसे बात कर रहा है और वो कुछ आपको बता रहा है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, आपको उस पर विश्वास ही करना है, और वो बार बार राइट में देख के आपसे बात कर रहा है, कुछ बोल रहा है, फिर राइट में देख के बात कर रहा है, फिर कुछ बोल रहा है, समझ जाइए कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्ट करके बोल रहा है। बार बार वो राइट में देखने की हेल्प ले रहा है, इसका मतलब वो कुछ मेमोरी से लेके नहीं आ रहा है, वो जो भी आपको बता रहा है वो सब झूठ है। उसी तरह अगर कोई आपसे बात करता है और फिर लेफ्ट में सोचता है, फिर बताता है, फिर लेफ्ट में देखता है, फिर बताता है ऊपर या मिडिल में, इसका मतलब वो सच बोल रहा है और वो अपनी मेमोरी से बातें ला के बोल रहा है। इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर कोई बच्चा है, वो कहीं गया है, लेट आया है, उसने स्टोरी कुक कर दी है और वो आपको बता रहा है और बार बार राइट देख के बता रहा है, इसका मतलब वो अभी अभी कहानी बता रहा है, आपको बना रहा है और बता रहा है। लेकिन अगर उसने स्टोरी कुक पहले कर दी है और पहले ही उसने अपने इमेजिनेशन में देख लिया है और वो सारे पिक्चर्स स्टोर्ड हो गए हैं मेमोरी में, और अब वो आपको लेफ्ट देख के बता रहा है,
तो उससे क्वेश्चन पूछिए, ऐसा क्वेश्चन जो डेटा मांगे, जो डिटेल मांगे। जैसे उसने बोला कि मैं उस दोस्त के घर गया था, तो पूछिए कितने लोग थे वहाँ। फिर राइट देख के अगर बताएगा तो समझ जाइए कंस्ट्रक्ट करके बता रहा है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन हमें धोखा दे रहा है और कौन हमसे सच बोल रहा है। लेकिन हमको खुद अटेंटिव होना पड़ेगा इसके लिए, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार में देख के नहीं बताएंगे, बोल सकते हैं कि जो तुम राइट में देख रहे हो तो तुम झूठ बोल रहे हो। हमको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और पैटर्न देखना पड़ेगा इंसान में। अगर वो बार बार राइट देखता है तब तो वो बात बना बना के बोलता है, और अगर वो बार बार लेफ्ट देखता है तो वो सच बोलता है। इन जनरल अगर देखें तो कोई अगर लेफ्ट भी देखता है और राइट भी देखता है और ये बैलेंस्ड है, तो दिस इज़ द परफेक्ट स्टेट टू बी। ऐसा ही होना चाहिए कि हमको अपने मेमोरी से भी लेके कुछ बातें बतानी चाहिए और कुछ बातें हमको क्रिएटिव होके भी बतानी चाहिए। इसी को कहते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनेशन एंड नॉलेज, जिसको कि मैं कहता हूँ इमेजिलेज। उम्मीद है मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी और आप ये ध्यान रखेंगे कि आप अटेंटिव हो पा रहे हैं कि नहीं लोगों की बात सुनते समय जब वो लेफ्ट और राइट देखते हैं। नमस्कार।